हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जिला दौसा राजस्थान। आपको मैं आज NCD की स्क्रीनिंग MO पोर्टल के द्वारा कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम लोग इसमें सर्च करेंगे ncdnhp.gov.in। ठीक है, हम लोगों ने ये किया और हम लोग देखते हैं इसमें नेशनल NCD प्रोग्राम। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने इस तरीके से डिस्प्ले आएगी। हम लोग इसे इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं अपने को ऊपर साइड में, वहाँ एक ऑप्शन है इंस्टॉल ऐप। अगर आपके इंस्टॉल ऐप नहीं आ रहा है और आपके आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, तो उसको ऐड टू होम स्क्रीन करके भी आपकी स्क्रीन पर आप ला सकते हैं, जिससे आप लोग इंस्टेंटली अपने ऐप पे ओपन हो जाओगे। ठीक है, मैं इस पर इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करूँगा और ऐप को इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे ही मेरा ऐप इंस्टॉल होता है हमें डिस्प्ले पर शो होगा, ये मुझे NCD ऐप का डिस्प्ले पर शो हुआ। पे डिस्प्ले पर मेरे NCD का ऐप शो हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके का डिस्प्ले दिखेगा। हम लोगों को जो PSC CSC के ID और पासवर्ड NCD ऐप के दे रखे हैं, हम लोग उसको इसमें मेंशन करेंगे अपनी PSC और CSC के। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद ये डालने के बाद हम लोग ये जो कैप्चर करना है, ये जो पिक्चर दे रखी है उसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग वो इसमें मेंशन कर देंगे। देन मेंशन करने के बाद उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक होम पेज ओपन हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन हैं। हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे कंप्लीट जो आपकी PSC है या फिर CSC है उस पर कितने एनरोल पेशेंट हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं, या फिर कौन कौन ट्रीटमेंट पे है, कौन कौन एग्जामिनेशन पे है, वो शो हो रहा है, जो अपना भी काम नहीं है। हम लोग देखेंगे सब सेंटर वाइज इंडिकेटर्स। सब सेंटर वाइज इंडिकेटर के अंदर हम देखेंगे कि अपनी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जहाँ पे नाम है उसके सामने कितनी नंबरिंग है। इसका मतलब है कि आपके CBAC फॉर्म इतने कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें 94 CBAC फॉर्म अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 94। मेरे खेड़ा के 94 CBAC फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, वापस बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद सब सेंटर के पेशेंट की स्क्रीनिंग किस तरीके से करें वो हम देखेंगे। सर्च में गए। सर्च में जाने के बाद कोई पेशेंट आपके पास आया और हम उसका नाम इसमें सर्च करते हैं। सर्च करने में अपना उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद हम उस सब सेंटर का नाम इसमें मेंशन करेंगे, जैसे कि मेरा खेड़ा है, मैं खेड़ा नाम इसमें डालूँगा। उसके बाद हम लोग इसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लोगों के पास उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने एक पेशेंट लिया, रमेश चंद मीणा, इस पर हमने क्लिक किया। हम लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मेंशन हो रखी है, इसमें आ रखी है इसकी उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर। अब उसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। अब स्क्रीनिंग में आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले जाते ही लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट लिखा हुआ है और हम लोग हाइपरटेंशन पे प्लस का निशान दे रखा है, क्लिक करेंगे और अपन क्या कर देते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं। जबकि ये बिल्कुल गलत है। हम लोग स्क्रीनिंग यहाँ से नहीं करेंगे। यहाँ से अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो वो MO की कहलाएगी स्क्रीनिंग, ना कि CHO की। CHO स्क्रीनिंग करने के लिए राइट साइड में अपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इसमें लिखा हुआ है स्क्रीनिंग SHC, सब हेल्थ सेंटर स्क्रीनिंग हमें करनी है। ठीक है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ ओके करेंगे, अब हमें ये ऑप्शन दिख रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि सेलेक्ट ID, यूज़र ID है वो सेलेक्ट करनी है। अब यूज़र ID, इसमें 3 ID हमें दिखेगी। एक तो दिखेगी ANM की, एक दिखेगी पहले की जो सेंटर की बनी हुई है वो,
और एक दिखेगी वो जो आपकी CHO के नाम से बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। अगर मान लो बनी हुई नहीं है तो अपने ब्लॉक के अंदर वो बनवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमने देखा, जैसे सबसे पहले तो मेरी ANM जो है उसके नाम से बनी हुई है, पहले से बनी हुई है वो, देन सब सेंटर के नाम से पहले बनी हुई है वो होगी, और अब मेरा नया अभिषेक पारिक मेरा नाम है, उस नाम से मेरी ये ID बनी हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारी ID से हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो पता रहेगा कि हम लोगों ने कितनी स्क्रीनिंग, पोस्टिंग होने के बाद हम लोगों ने कितनी स्क्रीनिंग अपने गांव के अंदर कर दी है। ठीक है, अब इस पर सब सेंटर का नाम तो इस पर मेंशन पहले से हो रखा है खेड़ा। हम लोग जाएंगे पर्सनल एग्जामिनेशन पर। पर्सनल एग्जामिनेशन पेशेंट का हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दिख रहा है चूज़ ए डेट। हम लोग जिस दिन पर्सनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसकी डेट हम चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने 25 तारीख को इस पेशेंट की पर्सनल एग्जामिनेशन किया था, तो हमने क्या किया, इसकी डेट इसमें मेंशन कर दी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, तो जितने उसकी हाइट है वो हम लोग इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसकी हाइट लिखेंगे, हाइट के बाद उसका वेट क्या है वो हम लोग इसमें लिख देंगे। जैसे ही हम लोग हाइट और वेट लिखते हैं उसकी BMI अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही हमने सेव किया इसमें क्या आ गया, कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब आपका जो पर्सनल एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें कंप्लीट इसमें हिस्ट्री दिख रही है। मान लो पेशेंट है वो डायग्नोस्ड पहले से है, अर्ली डायग्नोस्ड है किसका, हाइपरटेंशन का पेशेंट है अपने पास जो आया है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है पहले से, तो हम लोग इसमें यश करेंगे। अगर नहीं है तो हम उसको नो करेंगे। मान लो पेशेंट हाइपरटेंशन है, हमने कर दिया यश। यश करने के बाद अंडर ट्रीटमेंट है या नहीं है, पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा, तो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का नहीं है तो हम लोग इसमें नो कर देंगे। जैसे कि मेरा पेशेंट हाइपरटेंशन का नहीं है तो मैंने इसमें नो कर दिया। देन उसके बाद डायबिटीज़, पेशेंट डायबिटीज़ का है या नहीं है तो इसमें नो कर देंगे। देन हार्ट डिजीज़ का नो, स्ट्रोक का नो, इस तरीके से हम लोग इसमें इसकी इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम लोग इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें देखेंगे इसमें भी कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आ रहा है हाइपरटेंशन, वही हम लोग डेट चूज़ करेंगे। डेट चूज़ करने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे सिस्टोलिक BP कितनी है उसकी, हम लोग वो इसमें मेंशन कर देंगे। मेरे जो पेशेंट की BP थी वो, पेशेंट की BP है 117। ठीक है, और उसकी जो डायस्टोलिक BP है वो ये है। ठीक है, हम लोग ये इसमें मेंशन कर दिए। उसकी जो पल्स रेट है वो है 77। ठीक है, हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया। जो अपने BP इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आई है वो हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है डायग्नोस्ड फॉर हाइपरटेंशन अर्लियर, कि पेशेंट है वो अर्लियर कभी डायग्नोस्ड कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। यस तो हाँ, अगर कर रखा है तो यस कर दो, नहीं कर रखा तो नो कर दो। देन उसके बाद अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है, कोई भी अदर कंडीशन है, हम उसे रेफ़र करना चाहें तो हम लोग रेफ़र के लिए यस दबाएंगे। जैसे ही हम लोग यस दबाएंगे तो हम लोग देखेंगे इस पे रेड स्टार, रेफ़र टू रेड स्टार आ रहा है, इसका मतलब हमें ये चीज़ भरना ज़रूरी है। सेलेक्ट करेंगे क्या PSC पे रेफ़र करना चाहते हैं, CSC पर रेफ़र करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर करना चाहते हैं, तो वो हम इस पे देखेंगे। अगर हमें रेफ़र नहीं करना, पेशेंट अपना ठीक है, तो हम लोग इस पे नो कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव के बाद एक बार पूछेगा अपने से आप कन्फर्म हैं तो उसको यस कर देंगे। ये अपनी हाइपरटेंशन भी प्रोसेस कंप्लीट। देन उसके बाद अपने आएगी डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे चूज़ डेट,
वापस से हम लोग जिस दिन हम लोग डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसकी डेट हम उसमें मेंशन करेंगे। उसका रैंडम ब्लड शुगर कितना आ रखा है वो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, और वही इसमें प्रोसेस पूछी है डायग्नोस्ड फॉर डायबिटीज़ अर्लियर, नो कर देंगे, रेफर नहीं कर रहे हम इसको, उसके बाद हम वापस उसको सेव कर देंगे और आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ओरल कैंसर अगर आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, हम लोग स्क्रीनिंग करना चाहें तो हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे, चूज डेट चूज़ करेंगे किस दिन हमने स्क्रीनिंग की है। अब इसमें कौन कौन से इसमें सिम्टम्स इसमें शो हो रहे हैं, जैसे पेशेंट के एनी सिम्टम या फिर एनी इशू इन माउथ। सिम्टम्स के अंदर देखेंगे हम लोग कि अगर कोई इशू इस पेशेंट के अंदर आ रहा है नीचे दिए हुए में, तो उसको अपन यस करके और जो सिम्टम इसमें दिख रहा है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मान लो कोई सिम्टम इसमें नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नो कर देंगे। ठीक है, कोई भी सिम्टम इसमें नहीं दिख रहा। आगे हम बढ़ेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन के अंदर कोई सिम्टम दिख रहा है तो हम लोग उसमें देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो उसमें नो कर देंगे। ठीक है, अगर अपने को पेशेंट को रेफ़र करने की कोई कंडीशन है तो हम लोग यस करके उसको रेफ़र कहाँ करना है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं, अगर रेफ़र का नहीं है तो इसमें नो कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग देखेंगे अपने जो कंप्लीट ओरल कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पर्सनल हिस्ट्री और पर्सनल एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अपनी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग अगर जैसे मान लो किसी एक पेशेंट की हमने स्क्रीनिंग कर दी, उस पेशेंट के फैमिली मेंबर में एक और कोई पर्सन है उसकी भी हमें इसके अंदर स्क्रीनिंग करनी हो, तो हम लोग ये तो ना है कि हर किसी के बार बार में हम लोग सी बैक फॉर्म भरवाएंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग उसके फैमिली मेंबर्स में जाएंगे, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके फैमिली मेंबर में जाएंगे और उसमें अपन मेंबर ऐड कर सकते हैं, उसकी मैसेज हो, उसका बच्चा हो, उसका भाई हो, जो भी है हम लोग उसके अंदर ऐड करके और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें फैमिली मेंबर्स में ऐड कर सकते हैं और उसकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। देन उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मान लो उसका सी बैक फॉर्म ठीक तरीके से भरा हुआ है या नहीं है, हम लोग पहले भी चेक कर सकते हैं बाद में भी चेक कर सकते हैं, आशा ने जो सी बैक फॉर्म भरा है उस पेशेंट का ठीक है या नहीं है, तो वो हम लोग इस पर भी चेक कर सकते हैं। सी बैक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसकी कंप्लीट डिटेल है इसमें शो हो जाएगी। जब इसकी कंप्लीट डिटेल हमें इसमें शो होगी, इसमें अगर कोई चीज़ ठीक है तो ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई चीज़ अगर इसमें रॉन्ग है तो हम इसमें ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें हम देखेंगे, आशा को भी इंडिकेट करेंगे कि अगर इसमें स्कोर हम लोग सी बैक के अंदर देखते हैं उसके स्कोर डिवाइड होते हैं, वो आपको ट्रेनिंग में बता दिए जाएंगे या फिर वैसे बता दिए जाएंगे, आशाओं को इनमें पता होगा शायद, अगर 4 से ज़्यादा स्कोर इसमें आते हैं तो वो पेशेंट रिस्की है, और 4 से ज़्यादा स्कोर आने पर 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्कोर है तो आशा को ये इंडिकेट करें कि वो आप CHO को या फिर आपके संबंधित जो MO हैं उनके पास उनको भेजें। जिस पेशेंट का जिसका भी सी बैक फॉर्म भरा जा रहा है अगर उसके स्कोर के अंदर अगर 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि आप लोग या तो CHO के पास हमारे पास भेजो, या फिर हमारे पास नहीं भेजते तो आप संबंधित जो MO है उसके पास भेजिए, हमारे पास भेजेंगे, हम लोग उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर वो पेशेंट डिटेक्ट होता है कि या तो उसके हाइपरटेंशन है या फिर उसके शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर उसके कोई भी XYZ कोई कंडीशन है जैसे कैंसरस कंडीशन है, तो उसकी स्क्रीनिंग करके हम लोग उसे क्या करेंगे, अगर प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट अपने पास उपलब्ध है तो हम लोग प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग उसे रेफ़र करेंगे PSC या फिर CSC पर। यह अपनी स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू। कोई भी अपनी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग
मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।